कामना का सच सबके सामने लाने के लिए मैत्री का साथ देगी सारांश की माँ। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल मैत्री के एपिसोड में आप देखेंगे जब हर्ष अपनी माँ कामना को ये यकीन दिला देता है कि आज के बाद वो उनके ऊपर डाउट नहीं करेगा। तभी नंदू पीछे से मैत्री को बोलती है कि मैत्री, तूने आज जो भी कुछ किया उसमें तू अकेले तो नहीं कर सकती, तो तेरा साथ किसने दिया। जिसमें मैत्री आशीष की तरफ देखती है लेकिन कहती कुछ भी नहीं। तभी आशीष आकर कहता है कि मैत्री का साथ मैंने दिया, जिसमें आशीष कहता है कि कामना जी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आशीष हर्ष को बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करता है लेकिन हर्ष जो है आशीष के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है। ये देखकर आशीष को गुस्सा आ जाता है और वो हर्ष को जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई हो जाती है। तब परिवार वाले बीच में आ जाते हैं। तभी मैत्री आशीष को कहती है कि आशीष तुम्हें हर्ष के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। नंदू आशीष की तरफ से कहती है कि मैत्री, ये जो भी कुछ हो रहा है सब तेरे कारण हो रहा है और तू बचपन से ही ऐसी है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। कमरे में जाकर आशीष की माँ आशीष को कहती है कि आज के बाद तू मैत्री और उसके परिवार का साथ नहीं देगा चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर आशीष पहले तो मानने को तैयार नहीं होता लेकिन उसके बाद हाँ कर देता है। तो उधर मैत्री जो है बाहर खड़े हुए हर्ष का इंतजार कर रही होती है। हर्ष उसका फोन नहीं उठा रहा होता है। हर्ष जैसे ही घर में आता है मैत्री उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन हर्ष जो है अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। मैत्री हर्ष को बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है लेकिन हर्ष मैत्री की एक नहीं सुनता। तभी वहाँ पर हर्ष की माँ आकर मैत्री का हाथ पकड़ कर बाहर ले जाती है, जहाँ पर मैत्री उससे पूछती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि तू मेरा साथ न देकर आशीष के परिवार का साथ दे रही है। मैत्री और कामना के बीच काफी सारी बातें होती है। कामना के वहाँ से चले जाने के बाद सारांश की माँ आती है मैत्री के पास, जिसके बाद वो मैत्री को अपने साथ कमरे में ले जाकर उसे कहती है कि मैत्री, हमने तुम्हें गलत समझा और हमें तुम्हें उस दिन इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था और तुम परिवार के बीच होते हुए भी अकेली हो, इसीलिए हम तुम्हारा साथ देंगे। तो अब देखना ये होगा मैत्री और सारांश की माँ मिलकर क्या कामना का सच सबके सामने ले आएंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।